मेमोरी चैलेंज। बांद्रा नाम का एक गांव था। उस गांव के बच्चे गर्मियों की छुट्टी रहने के कारण सब घर पर ही रह रहे थे। बच्चे अपने माता पिता के बातें सुने बिना घरों पर पत्थर फेंकना, रोड पे से मिट्टी उठाकर उन्हें लोगों पे फेंकना, क्रिकेट खेलते हुए जो भी दिखे उन्हें बॉल से मारना, ये सब कर रहे थे। इससे तंग होकर उनके माता पिता उस गांव में रहने वाले टीचर पांडू के पास जाकर बच्चों के शरारतों के बारे में बताए। ये सुनकर पांडू बेचारे 11 महीनों तक आए दिन स्कूल जाते हुए उसके बाद ट्यूशन पढ़ते हुए थक गए होंगे। वो लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं ना, फिर से ट्यूशन रखने के लिए क्यों कह रहे हो? ये तो अन्याय है जी, कहा। तब रुक्मिणी नाम की एक महिला, मास्टर जी हमारे दुकड़ा किसे सुनाए, हमें दिन में तारे दिख रहे हैं, इनसे वो बंदर बेहतर है, ये बार बार रोड पे जा रहे है, गाड़ियाँ बहुत तेजी से आ रही है, हम क्या करें? सविता नाम की एक महिला, हमारे बच्चे पड़ोस के रीतु को बॉल से मारे, उसका पति बहुत बड़ा कमीना है, अब क्या होगा कहकर डर लग रहा है जी, बोली पांडू। तब देखिए माँ, बात तो सही है, लेकिन इस गांव में कोई अच्छा पार्क हो तो आपको इतनी परेशानी नहीं होती थी ना, कहा रुक्मिणी। हम क्या कर सकते हैं? वो गधा प्रेसिडेंट है ना, वो उस पार्क को कब्जा करके बैठा है, गांव वाले कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चुप बैठ गए, बोली पांडू। ठीक है, मैं गांव जा रहा हूँ, मेरा साला निकल आएगा, उससे कहूँगा, वो बच्चों को अच्छे से डील करेगा, कहा। लोग वहाँ से चले गए। अगले दिन निखिल रोड पे खेल रहे बच्चों के पास जाकर दो दिन वो भी बच्चों के साथ घरों पे पत्थर फेंकते हुए, क्रिकेट खेलते हुए उनसे दोस्ती किया। बाद में निखिल बच्चों से, फ्रेंड्स आए दिन एक ही गेम खेल खेल कर मैं ऊब गया हूँ, वही हमारे गांव में मजेदार इंडोर गेम्स खेलते हैं, पता है क्या, क्या हम भी खेले, कहा। तब बच्चे ठीक है कहकर तालियां मारे। बाद में निखिल उनसे, मेमोरी चैलेंज नाम का एक गेम है, वो बहुत मजेदार रहेगा, जानते हो गेम ये है कि मैं तुम्हारे लिए जमीन पे थोड़े बॉक्सेस ड्रॉ करूंगा, उसमें थोड़े एक्स मार्क्स थोड़े प्लेन बॉक्स रहेंगे, एक बार आपको उन्हें देखकर उन्हें याद रखकर आंखों पे पट्टी बांधना होगा, बाद में उन एक्स मार्क्स पे पैर रखे बगैर प्लेन बॉक्स पे कदम रखकर जो भी उन्हें पार करेगा वही विजेता बनेगा। हाँ एक और बात, बहुत जल्द हमारे गाँव में यही कॉम्पिटिशन रखने वाले है, सुना है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जीते तो प्रेसिडेंट जी गाँव में आपके लिए पार्क भी बनाएंगे, बोल रहे थे, कहा। बच्चे तब बहुत खुश होकर तालियां मारे। बाद में निखिल बच्चों के लिए मेमोरी चैलेंज तैयार करके जीतने वालों के लिए अच्छे गिफ्ट्स भी तैयार रखा। उन्हें देखकर बच्चे बहुत खुश होकर मेमोरी चैलेंज के लिए आंखों पे पट्टी बांधकर बहुत दिलचस्पी से खेलते हुए खेल सीखने लगे। ऐसे थोड़े दिनों तक बच्चे उस गेम को प्रैक्टिस करके अच्छे से खेलने लगे। उनके माता पिता बहुत खुश हुए। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद एक बार निखिल गांव वालों को बुलाकर मेमोरी चैलेंज गेम कॉन्टेस्ट का आयोजन करके प्रेसिडेंट को बुलाएंगे कहकर एक प्रस्ताव रखा। तब गांव वाले मान गए। प्रेसिडेंट के सामने गांव वाले बच्चों के लिए मेमोरी चैलेंज गेम का आयोजन किए। उसमें सारे बच्चे बहुत दिलचस्पी से भाग लेकर बहुत अच्छे से खेले। बाद में प्रेसिडेंट बच्चों में चॉकलेट्स बांटा। ये देखकर उनमें से भुवन नाम का एक बच्चा, ये क्या हमें चॉकलेट्स दे रहे हो, पार्क बनाओगे कहीं पे ना, पहले हमें पार्क दो, नहीं तो तुम पर और तुम्हारे घर पर हम पत्थर फेंकेंगे, तुम्हें हमारे बारे में पता नहीं है, कहा प्रेसिडेंट। तब क्या रे तुम पागल हो गए हो क्या, जब पार्क वार्क कह रहे हो, पार्क नहीं कुछ नहीं, जाओ जाकर मिट्टी में खेलो, मेरे आड़े आए तो तुम्हारी चमड़ी उझेड़ दूंगा, तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, कहा। बस बच्चों को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ मौजूद पत्थरों को लेकर प्रेसिडेंट को मारने लगे। प्रेसिडेंट मारे डर के वहाँ से भाग गया, फिर भी बच्चे उसे छोड़े बिना
दिन रात प्रेसिडेंट के घर के ऊपर पत्थर फेंकते हुए उसे बहुत परेशान करने लगे। अगले दिन प्रेसिडेंट पुलिस वालों को कंप्लेंट दिया। वो लोग आकर बच्चों को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते कहकर चले गए। उसके बाद बच्चे प्रेसिडेंट रोड पे चलते हुए गए तो भी छुपकर उसे पत्थरों से मारने लगे। ऐसे प्रेसिडेंट के पूरे बदन पर पट्टी बांधी हुई थी। ऐसे थोड़े दिनों के बाद वो कुछ नहीं कर सका और उसके कब्जा किए जगह पर बच्चों के लिए एक पार्क बनाकर दिया। ये देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए।